बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस ऑटोकैड कोर्स के आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेच कमांड को सीखने जा रहे हैं। ये कमांड बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही कमाल की कमांड है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि स्ट्रेच से ही साबित हो रहा है खींचना, इसको खींच कर छोटा या ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल हो सही है। इसको ऑब्जेक्ट को भी छोटा कर सकते हैं, इसकी अगर आपको विंडो भी छोटा बड़ा करना है या और भी कोई चीज़ तो मुख्तलिफ़ किस्म की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे करते हैं। स्ट्रेच कमांड जो है ये है जी मॉडिफाई की है कमांड, मॉडिफाई मेन्यू में ये कमांड आती है। तो हम यहाँ से आके इसको मॉडिफाई के मेन्यू में से आके यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखे जी ये स्ट्रेच है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद जो साइड हमने स्ट्रेच करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है, अगर हम इसको पूरे को, क्योंकि हम इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो हम इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडिफाई स्ट्रेच इसको यहाँ से अगर कर लेते हैं तो ये सिर्फ़ एक कॉर्नर स्ट्रेच होगा, तो ये दूसरा कॉर्नर नहीं होगा स्ट्रेच, तो इससे हमारा काम ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसका एक कॉर्नर करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से करेंगे। तो हमें दोनों करने हैं क्योंकि हमने पूरी इसकी मतलब ये है जो लेंथ ही करनी है। तो इसको हम करेंगे मॉडिफाई के मेन्यू में से आकर स्ट्रेच को करेंगे, इसको पूरे को ये देखे जी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब हमने इसको एक्सटेंड इधर की तरफ स्ट्रेच करना है तो हम इसको मूव करेंगे। अगर हम इसको कम करने के लिए इस साइड पे स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इस साइड पे कर देंगे। तो ये भी अगर हम माउस के साथ ऐसे ही रैंडमली इसको क्लिक कर देंगे तो ये वैसे भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम अपनी नुमाइश के मुताबिक इसको मतलब अगर 50 फुट है, अगर हम इसको 60 फुट करना चाहते हैं तो हम इसको 10 फुट का स्ट्रेच दे देंगे तो ये 60 फुट हो जाएगा। अगर हम इसको 50 को 40 करना चाहते हैं तो इस साइड पर करके इसको माउस को उसकी लोकेशन बता के तो इसको हम 10 फुट कर देंगे। तो अब हम इसको 60 फुट करना चाहते हैं तो मैंने ये इस साइड पर कर दिया, तो मैं इसको इसकी मेजरमेंट दूंगा, ये 10 फुट हो गया तो फुट का निशान दे दूंगा, ये इसकी डायमेंशन लिख के तो इंटर कर देंगे। तो ये देखिए जी ये हो गया है 60 फुट। अब फिर से एक बार देख लीजिएगा, अब इसकी जो शॉर्ट की है वो है S, ठीक है। पहले हमने मॉडिफाई के मेन्यू में से इसको यूज़ किया था, तो अब हम इसको ऐसे करते हैं। तो S करेंगे इसके लिए शॉर्ट की के लिए, तो सिंपली शॉर्ट की से आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, इसलिए शॉर्ट की आपको आना चाहिए और शॉर्ट की के साथ काम किया करें। तो एस इंटर करेंगे, उसके बाद हम ये वाली साइड इसको करना चाहते हैं स्ट्रेच। अब हम इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये देखें जी ये इधर को हम इसको मूव कर देंगे। तो ये 27 फुट है, मैं 30 फुट करना चाहता हूँ, आप जितना फुट करना है 3 करके 3 फुट के माह दे के इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए जी 3 फुट हो गया, ठीक हो गया। एक तो ये होगी, तो दो तरीक़ों के साथ हमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक कमरा है, ठीक है। तो ये 54.5 फुट है इसकी, तो हम इसको चाहते हैं कि 54 फुट कर दें या 54 फुट, मतलब उर्दू में कह लें तो 54 फुट, इंग्लिश में कह लें तो 54 फुट। तो जितना भी आप करना चाहते हैं, 6 इंच अगर आप कम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वैसे जैसे ही दो तरीके हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं शॉर्ट की से, तो मैं शॉर्ट की से करता हूँ। तो ये देखें इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसको स्ट्रेच अंदर की तरफ करना है, मतलब कम करना है, तो इंटर करूँगा सेलेक्ट करने के बाद दोनों कारण। तो ये देखें जी 6 इंच कम करना चाहता हूँ, 6 करके इंच का निशान और इंटर, ये देखें जी 54 फिट रह गया है, ठीक हो गया। अब ऐसे ही ये फॉर एग्ज़ाम्पल 16 फिट की विंडो लगी हुई है, अगर आप इस विंडो को छोटा या बड़ा करके करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेच कमांड से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी, अब शॉर्ट की, अब मैं यहाँ से मॉडिफाई के मेन्यू में आऊँगा या शॉर्ट की दूँगा तो इसको सेलेक्ट करूँगा ये जी स्ट्रेच। तो अब ये देखें जी हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ऐसे इस साइड से करना चाहते हैं तो इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे करना चाहते हैं तो इस साइड से, तो वो बात एक ही है। तो ये अगर 16 फुट है तो अगर आप बिल्कुल ये सेंटर में से करना चाहते हैं तो फिर ऐसा करें कि आधा उस साइड से कर लें आधा उसे, ये 16 फुट है 10 फुट करना चाहते हैं तो 3 फुट इस साइड से मैं कम कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा इंटर करूँगा, ये इधर की तरफ 3 फुट कम, सॉरी 3 इंच हो गया। तो ये देखें जी स्ट्रेच, इसको सेलेक्ट किया इंटर किया और ये 3 फुट ठीक हो गया। अब ऐसे ही वैसे ही इस साइड से हम 3 फुट को इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखें जी
ये इस साइड से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, तो इस साइड से भी 3 फुट कर देंगे ताकि वो बिल्कुल सेंटर में ही हमारी विंडो रह जाए। तो ये देखें जी, ये 10 फुट रह गई, 3 फुट उस साइड से, 3 फुट उस साइड से हो गया है। तो मतलब ये 6 फुट हमने कम कर दिया, इसलिए ये 10 फुट विंडो रह गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी स्क्रैच कमांड। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर को हमारा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।